क्या देश की सुप्रीम कोर्ट ही सरकार है? रफाल डील पर सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार की जनहित याचिका पर जिस प्रकार से कार्यवाही संचालित की, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि देश की सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र न्यायिक संस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रफाल डील पर सरकार से जवाब मांगा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं सरकार बन गई है और सरकार के बचाव में खड़ी है। भारत की सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के बचाव में खड़ी है और केंद्र सरकार को ही बचा रही है, और भारत की न्याय प्रणाली, भारत की संविधानिक न्याय प्रणाली को चुनौती दे रही है। उससे ऐसा पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी समय भंग हो सकती है और जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सुप्रीम कोर्ट पर ही तय हो रही है। रफाल डील पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर को जो बंद लिफाफे में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, उसमें ऐसा आशंका खड़ी हो रही है कि किस भी तरीके से रफाल डील पर सुप्रीम कोर्ट लीपापोती कर दे और सरकार को बचा ले। क्या देश की सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को बचाएगी? क्योंकि रफाल डील में जो कंपनी गठित हुई है वो एक निजी जॉइंट वेंचर कंपनी है। जब एक निजी जॉइंट वेंचर कंपनी है तो उसका उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं के बराबर है। जब रफाल डील पर बनी कंपनी सरकारी है ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों सरकार से जवाब तलब कर रही है? ना तो फ्रांस सरकार और ना ही भारत सरकार ने रफाल डील पर बनी कंपनी में अंश पूंजी हिस्सेदारी दर्शाई है, और ना ही वो सरकारी जॉइंट वेंचर कंपनी के रूप में प्रवर्तित की गई है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट लीपापोती करने के लिए और केंद्र सरकार को बचाने के लिए क्यों ऐसे असंवैधानिक दिशा निर्देश पारित कर रही है जिससे वो सरकार को बचा सके और भ्रष्टाचार में लिप्त केंद्र सरकार के संरक्षण में न्याय निर्णय पारित कर सके?